हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ हूँ वादे के मुताबिक। ये इस सीरीज का तीसरा पड़ाव है। मैंने इससे पहले आपसे जो बातचीत की वो लगातार दोस्तों की तरफ से उसके ऊपर कमेंट्स, क्वेश्चंस वगैरह वगैरह आते रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा भी है। मैं सबका बेहद स्वागत करता हूँ, खुशामदीद आप सबको। इससे पहले के दो लेक्चर्स में मैं पूरे कॉस्मॉस की कहानी के 13.78 बिलियन ईयर्स पहले किस तरह से बिग बैंग हुआ, किस तरह से आकाशगंगाएं सितारे बने, आकाशगंगाएं बनी और फिर सोलर सिस्टम बना, जो हमारी एक खास आकाशगंगा मिल्की वे की कगार के ऊपर है, छोटा सा, लाखों करोड़ों तारों के बीच में एक तारा, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे बॉल्स, और उनमें से एक अद्भुत बॉल बिल्कुल, जो दूर से देखें तो नीला हरा जैसा दिखाई देता है। इस बॉल के ऊपर पानी है, धरती है, हवा है, जो इसके चारों तरफ कवच बनाए हुए हैं, और उसकी वजह से इसका रंग नीला हरा जैसा दिखाई देता है। ये अकेला एक ऐसा जहाज है जिस पर जिंदगी पैदा हुई है, अकेला जहाज जिस पर जिंदगी है। हमें और मालूम नहीं कहाँ कहाँ जिंदगी हो सकती है। वैज्ञानिकों का ख्याल है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जिंदगी किसी न किसी शक्ल में दूर कहीं किसी आकाशगंगा के ऊपर ऐसे ही हालात में जैसे हमारे धरती पर हैं उस तरह की मौजूद हो। बहरहाल, हमने बहुत आवाज लगाई है, अपने पड़ोसी को तलाश करने की कोशिश की है, मैसेजेस भेजे हैं इन पिछले 2-3 सदी में, लेकिन अभी तक किसी का जवाब वापस नहीं आया है हमारे पास। यानी हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि कहीं और जिंदगी है या नहीं है। बहरहाल, हमारी धरती पर जिंदगी क्रिएट हुई हमें मालूम है, और वैज्ञानिकों का ये ख्याल है कि ये जिंदगी धीरे 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 शक्ल बदलती हुई, मैटर की शक्ल बदलती हुई, कॉन्शसनेस क्रिएट करने तक पहुंच गई है। यानी सोच और सवाल पूछना उसे आ गया है, सवालों के जवाब तलाश करने आ गए हैं, और इंसान लगातार जब से सवाल पूछना सीखा है उसने उसके जवाब ही नहीं बल्कि सच की तलाश में लगा हुआ है, सरगर्दा है। सच, बेहतर से बेहतर सच, ऐसा सच जो बदलता रहा है लगातार। और मैं इसीलिए बार बार इस बात को उठाता रहा हूं कि सच की तलाश सच से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इस तलाश की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया जब मैटर ने शक्ल बदली और उसकी सबसे खूबसूरत फॉर्म यानी इंसान का दिमाग पैदा किया, जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। उस ग्रे मैटर में धीरे धीरे ये क्षमता आई कि हम सवाल पूछ सकें और उनके जवाब की तलाश में निकल पड़े। ऑस्ट्रो पिथिकस 40 लाख साल पहले हमारी एक शाख, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि क्या बंदर से इंसान बना है, क्या गोरेले से इंसान बना है, क्या औरंगुटान से इंसान बना है, और ये बात बहुत बार इस्तेमाल की जाती है डार्विन की जो थ्योरी है ऑफ एवोल्यूशन उसके खिलाफ, कि हमने तो बनते नहीं देखा, किसी ने भी बनते नहीं देखा। दूसरी बात ये कही जाती है कि अगर ऐसा होता कि इंसान बंदर से पैदा हुआ होता या गोरेले से औरंगुटान से होता तो सारे गोरेले सारे बंदर वगैरह बदल गए होते। डार्विन ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, उसकी समझ साफ थी। ये इल्जाम डार्विन पर भी लगाने की कोशिश की गई थी
और आज तक जो जाहिल लोग हैं, जो नहीं समझते इस बात को, उनमें से कई अक्सर पढ़े लिखे जाहिल भी इस तरह की बात करते हैं कि सारे बंदर क्यों नहीं बदल गए, सारे गोरिल्ले क्यों नहीं बदल गए इंसान में। ऐसा हुआ नहीं है। जो थियोरी है वो ये कहती है कि हम सब जितनी भी शक्लें मौजूद हैं इस धरती के ऊपर जिंदगी की, वो धीरे 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 पेड़ की शाखों की तरह से निकली हैं। आबाओ अजदाद एक रहे हों, लेकिन वो शाखें अलग अलग डायरेक्शंस में गई हैं, और एक ही वक्त में जैसे पेड़ की कई शाखें होती हैं और वो जिंदा रहती हैं, वो मौजूद रहती हैं, उन पर पत्ते निकलते हैं और फिर नई शाखें निकलती हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहा है, और इसी तरह से हम भी कुछ पुराने आबाओ अजदाद की शाख की तरह से हैं, जो धीरे धीरे बदलते गए। होमो हैबिलिस लगभग 21 लाख से 15 साल लाख साल के बीच में इस धरती पर मौजूद रहे। होमो इरेक्टस 20 लाख साल से 1 लाख साल तक, और नियंडरथेल मैन जो थे वो 2 लाख। नियंडरथेल बहुत जमाने तक रहे, और जो मॉडर्न मैन है उसके ऑलमोस्ट साथ में उनकी शाख मौजूद थी इस धरती के ऊपर। धीरे धीरे वो खत्म हो गए, उसके बारे में मैंने पिछली बार भी बात की थी कि शायद साथ में मिक्सिंग भी हुई है कुछ वक्त के लिए, और दोनों के बीच में रिश्ते रहे हैं, लेकिन नियंडरथल मैन जो है वो खत्म हो गए। लगभग 30,000 साल पहले तक वो मौजूद थे, 2 लाख साल से लेकर के 30,000 साल तक नियंडरथल मैन मौजूद थे। होमो सेपियंस ज्यादातर जो हम जानते हैं आज की जो मॉडर्न रिसर्च है, और खास तौर से डीएनए के ऊपर बेस्ड जो रिसर्च है, वो उस रिसर्च को अगर देखें तो लगभग 70,000 साल से 50,000 साल पहले ज्यादातर इस दुनिया की आबादी जो आज है, उनके आबाओ अजदाद अफ्रीका से निकल करके और नॉर्थ की तरफ बढ़े, और वो इलाका जिसको हम अरब या मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, उस इलाके में होते हुए वो अलग अलग जगह फैल गए। ये मॉडर्न मैन की बात कर रहा हूँ। इससे पहले की चार बड़े या तीन बड़ी, इसके ऊपर विवाद है साइंटिस्ट में, कि चार बड़े माइग्रेशंस हुए। आजकल माइग्रेशंस की बहुत बात हो रही है, वर्कर्स को माइग्रेशन की बात की जा रही है, तो वो माइग्रेशंस चार जो हैं वेव्स में आए हैं, और एक ही वक्त में इस धरती के ऊपर हमारे आबाओ अजदाद, हमारे करीबी कजन्स जो हैं वो मौजूद रहे हैं। ये बात हो चुकी है, और मैं बार बार इसको दोहराता रहा हूँ कि सबसे बड़ा बदलाव शायद इंसान की जिंदगी में ये आया कि उसने सोचना सीख लिया, उसने कहानी गढ़ना सीख ली, और उसने सवाल पूछने सीखे, उनके जवाब ढूंढने शुरू किए। शुरू के सवालों में मैंने जहां पर छोड़ा था वहां तक आपको ले आता हूं पिछले लेक्चर में, कि शुरू के सवाल जो रहे होंगे वो जानवरों की जिंदगी से बहुत करीब रहे होंगे, यानी तीन तरह की जरूरतों से जुड़े हुए होंगे। एक जरूरत है इंसान को अपनी जिंदगी बचाने की, एक जरूरत है जहां सेफ्टी और सिक्योरिटी हो प्रीडेटर्स से, यानी वो जानवर जो इंसान की जिंदगी के लिए खतरा थे, जो फूड चेन में इंसान को खा करके जिंदा रह सकते थे, उन जानवरों से बचाओ। दूसरी बड़ी जरूरत थी खाने की जरूरत। खाने की जरूरत, जहां पर सूखा पड़ गया वहां से हमें निकलना पड़ता था, जहां पानी की कमी हो गई वहां से हमको निकलना पड़ता था, जहां ऐसे हालात पैदा हो गए कि जो खाना इंसान खा सकता था वो खाना मयसर नहीं है, तो वहां से माइग्रेट करना पड़ता था, चलना पड़ता था। इससे पहले ही बदलाव आ चुका था कि हम दो पैरों पर चलना सीख गए थे। इससे पहले ये बदलाव आ चुका था कि हमारे अंगूठे का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हम चला सकते हैं, ये बदलना शुरू हो गया था।
और ग्रिप हमारी मजबूत हो गई थी ताकि हम टूल्स बना सकें। टूल बनाना और हाथों का बदलना, हाथों में बदलाव आना, ये सब कुछ हो गया था। हमारे चेहरे में बदलाव आ चुके थे, हमारा दिमाग जहाँ होता है खोपड़ी के अंदर, उस जगह का के अंदर जो बदलाव आ गए थे वो कहीं ज़्यादा बड़ा दिमाग उसके अंदर नेचर रख सकता था। मैंने ये भी कहा था कि हमारा जो एनर्जी यूज है वो लगभग 50%, 40 से 50% एनर्जी हम अपने कंधों से ऊपर के हिस्से में इस्तेमाल करते हैं। ये नेचर के अगेंस्ट जाता है, ये इसके खिलाफ जाता है। इसलिए खिलाफ जाता है कि नेचर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि इतनी छोटी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इसे चलाने के लिए इतने बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है जिसको इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन ये बदलाव आया और ये बदलाव ऐसा बदलाव था जिसने हमें इंसान बनाया। जो टूल्स बनाने शुरू किए उसमें कई, हमने गोश्त खाना शुरू कर दिया, वो भी मैं कवर कर चुका। जो टूल्स बनाने शुरू किए, कुछ साइंटिस्ट्स का ख्याल यह है कि जैसे जैसे हमने जो औजार बनाए वो सोफिस्टिकेटेड होते गए, वैसे वैसे हमारे दिमाग भी ज़्यादा विकसित होता गया, बढ़ता गया। और जैसे जैसे दिमाग विकसित होता गया वैसे वैसे हम थोड़े बदले हुए टूल्स बनाने लगे। कुछ लोगों ने उन जगहों को जहाँ बहुत सारे औजार पाए गए हैं, ज़्यादातर औजार जो बने हुए थे पत्थर से, उन औजारों को देख करके ये कहा है कि ये फैक्ट्रीज थी औजार बनाने की। बहरहाल वो फैक्ट्री नाम देना आज बहुत अजीब माना जाएगा, लेकिन ये कि जिस तरह से हम डेवलप होते गए उस तरह से हमारी सोच और हमारी जो सामाजिक जिंदगी है उसमें बदलाव आने लगा। बड़े ट्राइब्स, बड़े कबीले बनने लगे। इन कबीलों के बारे में मैंने कहा था कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब हमने मिथ्स को, कहानियों को एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया और एक दूसरे के साथ यकीन करना शुरू किया उनके ऊपर, तो हमारे कबीले बड़े होने के आधार बनने लगे। यानी एक तरह की सोच और एक तरह की कहानियों में यकीन रखना, इसकी वजह से हम शायद करीब आकर के बड़े कबीलों तक पहुंचने लगे। लगभग 40,000 साल पहले हमने कब्रें खोदना सीख लिया था, मुर्दों को अंदर डालना, तो उसके रिचुअल्स साथ में शुरू हो चुके थे। यानी अगर ये सवाल पूछा गया कि इंसान जिंदा कैसे रहता है और मर कैसे जाता है, जिसको मैं एक मेटा क्वेश्चन कहता हूँ, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि दो तरह के सवाल हैं, एक वो हैं जो बार बार इंसान ने पूछे हैं और एक वो सवाल हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो शुरुआती दौर में बहुत सिंपल सवाल रहे होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए, शायद हमने बड़े सवाल नहीं पूछे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े सवाल भी पूछना शुरू कर दिए होंगे कि ये ब्रह्मांड क्या है, धरती का आकार क्या है, ये सूरज कैसे निकलता है और कैसे डूबता है, वगैरह वगैरह, ये भी सवाल पूछे होंगे। और इसमें से एक बड़ा सवाल पूछा होगा जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, वो भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और मुझे बहुत पसंद है वो सवाल, कि इंसान या कोई जानवर या कोई पेड़ कब मर जाता है और क्यों जिंदा होता है। इस सवाल को हम आगे लेंगे, लेकिन अभी मैं अपने को कन्फाइन करके रखता हूँ। जो दूसरा सवाल मुझे बहुत पसंद है, जिसकी शुरुआत मैंने पिछली बार की थी, कि जमीन का आकार क्या है और सूरज चांद सितारे कैसे निकलते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा, पिछली बार मैंने कहा था कि एक मॉडल बनाया, जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल था वो बहुत खूबसूरत मॉडल था। उस वक्त जितनी जरूरतें थीं उन सब जरूरतों को इंसान की पूरा करता था, कि जमीन चपटी है, पानी के ऊपर तैर रही है और उसके ऊपर एक छतरी नुमा ढक्कन जैसा औंधा टिका हुआ है और उसके ऊपर चांद सूरज तारे ये सब चक्कर लगाते रहते हैं। वो नीचे पानी में जाते हैं और पानी से निकल करके अगले दिन वापस उसके ऊपर आते हैं।
ज़्यादातर ये इसके एविडेंस मिलते हैं कि जो वो वक्त थे जिसको हम पुरातत्व काल कहते हैं, उन वक्तों में ज़्यादातर लोगों का ये यकीन था कि इन सब में जिंदगी है, यानी चांद सूरज तारे ये जिंदा हैं और ये सफर करते हैं, चलते हैं। इसी तरह से पेड़ों के अंदर इंसानों जैसी जिंदगी है, जानवरों जैसी जिंदगी है, इस तरह से उनको देखा जाता था। और इसीलिए पूजा शायद उनकी शुरू हुई, उन्हें खुश रखने के लिए, उनसे के साथ मोहब्बत एक्सप्रेस करने के लिए, जिनसे फायदा था और जिनसे नुकसान होता था उनसे डर करके उनका उनके रिचुअल्स शुरू हुए। बहरहाल, इस बार में जो ज्यादातर कवर करना चाहता हूं वो है वो पीरियड जब इंसान ने कदम रखा उस इलाके में जिसे हम अरब की खाड़ी कहते हैं। वो जो इलाका है पूरा, उस इलाके में आकर जब ये पता लगा कि ये बहुत जरखेज इलाका है, तो यहां बसाव कैसे शुरू हुआ? ये कहानी अजीब कहानी है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले के जो एविडेंस मिलते हैं उसमें इंसान ने बीजों को खाना और बीजों को इकट्ठा करने का तरीका नहीं सीखा था, वो सीख लिया। और कुछ दालें थीं, कुछ तरह के बीज थे, कुछ तरह के फल थे जो इंसान जिनका खाने के लिए इस्तेमाल करता था, पर उनको इकट्ठा करते, जब फसल आई, जब मौका हुआ तो उसको इकट्ठा कर लिया। अब अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा पीछे फिर से ले जाऊं, तो जब इंसान अफ्रीका के जंगलों में जिंदगी गुजार रहा है, जानवरों की सी जिंदगी है, वो वहां से बाहर भी आ चुका है, तब भी अगर वो गोश्त खा रहा है जानवरों का, मरे हुए दूसरों ने, शेर ने और लकड़बग्घे ने और बाकी ने जानवरों को मारा है और छोड़ दिया है, और इंसान ने उनको भगा करके उसका खाना खाने की कोशिश की है, तो जाहिर है कि उस वक्त ना फ्रिज था ना डीप फ्रीजर थे, तो ये गोश्त ज्यादा देर रखा नहीं जा सकता। अगर फलों को देखें हम, तो फल भी ज्यादा देर प्रिजर्व नहीं किए जा सकते। अगर हम बीजों को देखें तो वो भी फसल के दौरान जो बीज लगे रह जाते हैं और देर तक पेड़ों के ऊपर रहते हैं, उनको ही खा सकता था, उनका इस्तेमाल कर सकता था, पर वो भी फसल के साथ ही। तो अब अगर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें इस बात के ऊपर कि उस वक्त फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत कम है इंसान की। मैंने पिछली बार कहा था कि डायरेक्शन की अभी जरूरत नहीं है, जब निकले माइग्रेट करने के लिए तो निकलते चले गए। फूड सिक्योरिटी बहुत कम है, जो काम करेगा, जो जाएगा तलाश करेगा, जो शिकार करेगा वो खाएगा, और जितना खाया जाएगा उतना खा लेगा, बाकी का छोड़ देगा, सड़ जाएगा। यानी रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। और क्योंकि माइग्रेशन करना पड़ता था, इसलिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी संपत्ति नहीं बनाई जा सकती थी जो भारी हो और जिसे साथ लेके जाना। अगर एक जगह से मूव करना है तो दूसरी जगह जाने के लिए बड़े पत्थर पे बनाई हुई कोई चीज नहीं ले जाई जा सकती थी, जैसे चक्की नहीं हो सकती थी पत्थर की बनी हुई, क्या आप साथ लेकर के जाएं, दूसरी जगह भी आटा पीसना नहीं हो सकता। तो फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका कोई कॉन्सेप्ट इंसान के जहन में नहीं हो सकता था उस समाज के अंदर। यानी बच्चे सबके हैं, फैमिली है नहीं, पूरा कबीला है, सबकी जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारियां जो हैं सब निभाते हैं, जो नहीं निभाता है उसका या तो कबीला ख्याल रखता है या फिर वो मर जाता है और छूट जाता है पीछे। ये इस तरह का समाज है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें फ्लैट अर्थ का जो मॉडल है वो जरूरतें सारी पूरी। अब आते हैं
एक अद्भुत बदलाव के ऊपर। हम सब जानते हैं, आपने भी पढ़ा हुआ है, इसको हम अग्रेरियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, खेती बाड़ी का इनकलाब पैदा होना इसको जानते हैं, पर इसकी जड़ में क्या चीज है? इसकी जड़ में है एक ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन है एक बीज का जमीन पर गिरना, उस बीज का मिट्टी में मिलना, मिट्टी में मिलने के बाद पानी वगैरह पड़ने के साथ उसका दोबारा पैदा होना, फिर सैपलिंग या किल्ला फूटना, धीरे धीरे बड़ा होना पेड़ का, और बड़ा होने के बाद उसमें फूल आना, फल आना, और फिर से बीज पैदा होना। ये एक साइकिल है जिसने इंसान की पूरी मानवता को बदल कर दिया, सब कुछ बदल दिया। क्यों? इसलिए कि अब एक बीज जमीन पर गिरे, उससे पौधा उगे, पौधा बड़ा हो, फूल आए, फल लगे, और फिर बीज पैदा हो, तो एक बीज से अब ज्यादा बीज पैदा हो सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन, ये सोच, ये पूरे सामाजिक और हर तरह के बदलाव की जड़ में हमें दिखाई देती है। ये साइकिल जो सीजनल साइकिल है, ये ऑब्जर्व करना, इसको समझना एक बड़े रेवोल्यूशन की बुनियाद में हमको दिखाई देता है। यह है अद्भुत चीज, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। इस एक ऑब्जर्वेशन ने हर चीज इंसान की बदल दी आने वाली सदियों तक। आज भी हम खेती बाड़ी के ऊपर पूरी तरह से ना सही, लेकिन बहुत हद तक हर इकोनॉमी निर्भर करती है, हमारी जिंदगी निर्भर करती है खेती बाड़ी के ऊपर। और इस खेती बाड़ी की शुरुआत होती है इस ऑब्जर्वेशन के साथ, इस नेचुरल साइकिल को समझने के साथ। क्या ऐसा हुआ? इस साइकिल ने क्या कुछ कर दिया? इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये अनुमान लगाया है और इसकी बेसिस है कि जिस इलाके में आकर के, जिसको फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है, उस इलाके में आकर के जो इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट और टर्की और ईरान का कुछ हिस्सा, ये एक अगर हम नक्शा देखें और आप इमेजिन करें तो अफ्रीका से नॉर्थ में आना और नॉर्थ से इस इलाके में फैलना जहां पानी बहुत ज्यादा है, सीजन्स के हिसाब से बाढ़ आती है और वो जमीन को जरखेज करती है। इस इलाके में लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ खेती बाड़ी की शुरुआत होती है। और यहाँ ये ऑब्जर्वेशन अलग अलग वक्तों में, यानी लगभग 10-11 हजार साल पहले खेती बाड़ी की शुरुआत की नींव रखती है। कुछ बीज हैं जो खास तौर से सिलेक्ट करता है इन अलग अलग सेटलमेंट्स में जो हैं, वहां पर लोगों का ये भी अनुमान है कुछ का, और इसकी कोई प्रमाण नहीं है अभी तक, लेकिन लोगों का कहना यह है जो दिग्गज हैं इस फील्ड के, उनका कहना यह है कि शायद ये शुरुआत महिलाओं ने की होगी, औरतों ने की होगी। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनके पेट में बच्चा होता है और 3 महीने तक वो ज्यादा ऐसे काम नहीं कर सकती जिसमें दौड़ भाग हो, जिसमें ज्यादा खतरे हो, तो इसलिए वो जगहों पर रेस्ट करती होंगी और कबीले के मर्द और बाकी औरतें जो हैं वो दूर जाती होंगे, शिकार करते होंगे, मार के लाते होंगे, खाते होंगे वगैरह वगैरह।
तो ऐसे में शायद उनको मौका मिला और वक्त मिला ये साइकिल को देखने का, कि एक बीज गिरता है और उस बीज से पौधा पैदा होता है और उससे ज्यादा बीज पैदा होते हैं, ये इकट्ठा किए जा सकते हैं और खाए जा सकते हैं और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। बहरहाल जो भी रहा हो, इस एक चीज में, इस एक ऑब्जर्वेशन में सब कुछ बदल गया, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं। अगर एक बीज से 10 बीज पैदा हो सकते हैं, तो इनकी अगर खेती की जाए तो फूड सिक्योरिटी लगभग 10 गुना बढ़ गई। यानी अगर मैं एक बीज का इस्तेमाल एक दिन खाने के लिए करता हूं, तो अब मैं 10 दिन तक निश्चिंत हो जाऊंगा अगर मेरे पास 10 बीज है। अब से पहले तक क्या था? अब से पहले तक यह था कि रोज मुझे तलाश करना है, या तो बीज तलाश करने हैं, या फल तलाश करने हैं, या फिर किसी और का मारा हुआ जानवर तलाश करना है, या खुद शिकार करना है। लेकिन जब बीज मेरे पास आ गए, तो फिर 10 दिन तक मैं निश्चिंत। अब इसी को एक्सट्रापोलेट कर लीजिए, सोचिए कि मेरे पास इतना अगर बीज मौजूद है कि मैं साल भर तक खाना खा सकता हूं, तो फिर मुझे साल भर की फूड की सिक्योरिटी मिल गई। ये बहुत बड़ा बदलाव था, ये फूड की सिक्योरिटी जो थी, इसने सब कुछ बदला। मैं अभी उस पर आता हूं कि किस तरह से ये बदलाव आए होंगे उस वक्त। लेकिन ये कि ये जो बीज हैं मेरे पास, ये मैं अगर खेती ना करूं तो इस साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बीज इकट्ठा किए, उन बीजों को जमीन में मैंने डाला, इरिगेशन की शुरुआत इसी के साथ हुई होगी, आबपाशी की यानी पानी डालने की। बिना उसके मैं खेती का तसव्वुर नहीं कर सकता। तो अब एक बड़ा बदलाव जो आएगा वो ये होगा कि जहां जमीन जरखेज है, जहां ये बीज पैदा होते हैं, वहां पर मैं जमीन के साथ बंध जाऊंगा। अब ऐसा नहीं कर सकता कि पेड़ों के ऊपर मैं घर बना करके रहूं और जब वहां पर हालात बुरे हो जाएं तो मैं वहां से चला जाऊं कभी ना लौटने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि मुझे दूसरी वैसी ही जगह ना मिल जाए जहां बीजों को ले जाकर के मैं जमीन में डाल करके इस साइकिल का इस्तेमाल कर सकूं, जमीन में बीज डालूं, पानी डालूं और फिर उसके बाद जरखेज जमीन से उगाऊं। तो अब मैं जरखेज जमीन से बंध गया, इंसान जरखेज जमीन का एक ऑलमोस्ट हिस्सा सा बन गया। पहली बार खेत शुरू होंगे, वो जगह खाली की जाएंगी जहां पर अभी तक जंगल थे या घास थी। हल तलाश, हल बनाने की एक प्रक्रिया होगी, क्योंकि मुझे ये अंदाजा हो जाएगा जल्दी ही कि मैं अगर सिर्फ ऊपर डाल दूं तो चिड़ियां और दूसरे जानवर चुग लेते हैं उन्हें, तो मुझे जमीन के नीचे दबाने पड़ेंगे। दबा करके पानी डालना होगा, दबाने के लिए मुझे जमीन खोदनी पड़ेगी। तो शुरुआत के प्रिमिटिव हल हमें दिखाई देते हैं उन जगहों के ऊपर, जिन जगहों के ऊपर सभ्यता का उदय हुआ। अब अगर जमीन से मैं बंध गया तो मुझे घर की जरूरत है, वैसा घर नहीं जैसा पहले था जहां मैं गारों में रहता था या पेड़ों के ऊपर रहता था, बल्कि एक परमानेंट घर की जरूरत। और शुरुआत में कबीलों के जो घर थे, जो देर तक एक जगह रहते थे, उनके घर गोल थे, जो अभी भी अफ्रीका में हमको दिखाई देते हैं, बहुत सारी दुनिया के हिस्सों में वो गोल झोपड़ियां दिखाई देती हैं। अब परेशानी सबसे बड़ी खड़ी ये हो गई कि अगर ये बीज पैदा हो गए
तो मुझे इनकी हिफाजत करनी होगी। कैसे रखूं इनको? तो एक चार दीवारी वाला ऐसा घर बनाना पड़ेगा जिस घर में मैं इन बीजों को रख सकूं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में नई टेक्नोलॉजी के साथ, जहां धीरे 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 मैंने ईंटें बनानी सीख ली धूप में पका करके, उनसे मैं घर बनाना शुरू करूंगा। छतों के लिए छप्पर काफी होंगे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए मुझे एक घर की जरूरत पड़ेगी। और बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी कि मुझे बर्तनों की जरूरत है। तो एक नया जमाना उदय होगा, एक नया जमाने का उदय होगा कि जिसमें बर्तनों का आविष्कार होगा, ये मिट्टी से बने हुए बर्तन। अगर आप किसी बड़े म्यूजियम में जाएं, खुद दिल्ली के म्यूजियम में अगर चले जाएं, तो उस जमाने की हमारी पुरानी सभ्यताओं के बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बने हुए बर्तन आपको दिखाई देंगे। उन बर्तनों में नीचे चोंच जैसी बनी हुई, यानी वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते। तो फिर वो बर्तन क्यों बनाए गए जो जमीन पर खड़े ही नहीं हो सकते? वो इसलिए बनाए गए कि वो जमीन में गाड़े गए, और उनके लिए ऐसा शेप जरूरी था जिसमें नीचे से वो पतले हों, ताकि अगर मैं उसके अंदर अनाज रखूं तो उसमें से ऊपर से ज्यादा अनाज निकाल सकूं। ये है आधार उन बड़े बर्तनों का जो आपने कभी शायद बड़े म्यूजियम्स में देखे होंगे। मान लीजिए कि ये कुछ बड़ी सारी थियोरीज हैं कि ये कितनी जल्दी फैला है, यानी जो खेती बाड़ी है वो अलग अलग इलाकों में हमें दिखाई देती है, इस क्रेसेंट में जिसकी मैंने बात की, यानी इराक, सीरिया, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह वगैरह, और फिर ये तेजी से फैला यूरोप की तरफ, और फिर ये जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज कहते हैं उस तरफ भी ये फैला, हमारे यहाँ भी सभ्यताएं बनी। तो एक बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि लोग जमीन के साथ जुड़ करके उसके चारों तरफ घर बनाने लगेंगे, और ये धीरे धीरे गांव से बढ़ करके शक्ल ले लेगी शहरों की। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था वो बहुत अपने अंदर इंपॉर्टेंट है कि इन जगहों के ऊपर, मान लीजिए कि एक इलाका यहां है, एक इलाका यहाँ है, और ये बदलाव कुछ का कहना है कि 200 साल में आ गया, बहुत तेजी से फैला है ये तरीका जो खेती का तरीका है जगह जगह, और हर जगह अलग तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, मैं उस पर अभी आता हूँ। लेकिन ये कि ये जो बदलाव है, जो सेंटर्स बन रहे हैं, इनमें कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं सैलाब आएगा, तो ये चीजें बर्बाद भी होंगी। मान लीजिए कि मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जिस शहर में काफी कुछ बीज मौजूद है, हमारे पास हमारी खेती और फसल अच्छी हुई है, और एक करीब की जगह है वहां से सैलाब आ गया और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और फसल नहीं हुई, वहां के रहने वाले भूखे मरने लगे। तो उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो शिकार करके खाएं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो चुका है उसका इस्तेमाल करें, और या फिर वो मुझसे लेने के लिए आए। मुझसे लेने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें देने की कोशिश तो करूंगा नहीं कि हाँ आओ भाई, आजकल लोग बहुत खाना बांट रहे हैं सड़क के ऊपर, ये शायद उस वक्त ना रहा हो। तो फिर आपस में टकराव होगा, और इस टकराव के लिए हदबंदियां होंगी, सिर्फ घर की हदबंदी नहीं, जहां मैं नहीं चाहता कि जंगली जानवर आए और अनाज भी खा लें और मुझे भी खा लें, इसलिए मैं घर बना रहा हूं, पर इन घरों के लिए भी सुरक्षा चाहिए। तो अब जो बदलाव आ रहे हैं उनमें कुछ चीजों को हम देख लेते हैं, यानी इरिगेशन शुरू होगा, इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन होगा, यानी वो
जगह मैं साफ करूंगा, पेड़ हटाऊंगा वहां से जहां पे मैं खेती करना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होना शुरू हो जाएगा, एक शहर का अपना अगर बड़ा होता जा रहा है, बहुत सारे घर हैं चारों तरफ और अनाज आ रहा है उनके अंदर और सबकी ज़मीनें बटी हुई हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का तसव्वुर यहीं से शुरू होगा। अब से पहले के समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन ज़मीन से बनने के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का तसव्वुर आ जाएगा। ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा इस फूड सिक्योरिटी के साथ। डिविजन ऑफ लेबर शुरू होगा, जैसे जैसे हल बनाने वाले अलग अपना काम ढूंढेंगे, अलग हो जाएगी स्किल्स, अलग हो जाएंगी उनकी, खेती करने वाले अलग होंगे, बीज रखने वाले अलग होंगे, पॉटरी करने वाले अलग होंगे, जो ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटे बनाते हैं, वो अलग लोग होंगे। ये डिविजन ऑफ लेबर भी समाज में शुरू हो जाएगा और पहली बार तबके बनना शुरू हो जाएंगे। यानी ऐसे ख्यालात पैदा होंगे जो इंसानों को अलग अलग तबकों में बांटना शुरू करेंगे। पहले शायद स्किल्स के लेवल के ऊपर, व्यवसाय के लेवल के ऊपर, और फिर कौन सा व्यवसाय ज्यादा बेहतर है और कौन सा कम बेहतर है, इसको लेकर के भी विवाद होंगे और बंटवारा शुरू होगा। यहां पर यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि बार्टर सिस्टम की शुरुआत भी इसी एक ऑब्जर्वेशन का नतीजा होगी। यानी बीज गिरा, पौधा पैदा हुआ, फूल आए, फल लगे और ज्यादा बीज मिले। बार्टर सिस्टम की शुरुआत इसलिए होगी कि किसी के पास बीज हैं और कोई सिर्फ पॉटरी करता है, बर्तन बनाता है, कोई ईंटे बनाता है, कोई घर बनाने में महारत रखता है। ये जब डिवीजन हो जाएगा तो इसके साथ साथ कैसे बीज को तोला जाए, कितने बर्तनों के साथ। यानी मुझे 5 बर्तन चाहिए, मेरे पास 1 किलो बीज हैं जो मैं स्पेयर कर सकता हूँ, दूसरे को दे सकता हूँ, तो मैं उसको बीज दे करके 5 बर्तन ले लूंगा। ये होगा बार्टर सिस्टम एक दूसरे के साथ। ये शुरुआत होगी चीजों की कीमत आंकने की। यानी 5 बर्तन एक खास तरह के बराबर होंगे 1 किलो चावल के या 1 किलो गेहूं के, या एक घर बराबर होगा 2 हलों के, वगैरह वगैरह। तो ये शुरुआत जो होगी बार्टर सिस्टम की, इसमें चीजों की कीमतें भी फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ एक इकोनॉमी डेवलप होगी इन सिस्टम्स की, जो छोटे छोटे सिस्टम्स बन रहे हैं जो बड़ी सभ्यताओं में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। इसमें हाँ, मैंने कहा था कि ऐसी कोई चीज का आविष्कार अब से पहले नहीं हो सकता था जिस चीज को आप ले जा ना सकें, घर से लेकर के बड़े हल से लेकर के चक्की तक किसी चीज का भी आविष्कार नहीं हो। पत्थर की चक्की का आविष्कार पॉसिबल नहीं था इससे पहले, क्योंकि आप लेके जा ही नहीं सकते थे किसी और जगह के ऊपर। जब आपको माइग्रेट करना होता था तो सब कुछ वहीं छोड़ के जाना होता था, तो गार में जिंदगी थी या पेड़ों पर जिंदगी थी, ऐसी चीजों का आविष्कार नहीं हो सकता था। अब ऐसी चीजों का आविष्कार हो सकता है जो बड़ी हो, तो चक्की का आविष्कार भी इसी बीज के साइकिल की देन होगी। जमाना बदलेगा और इसके साथ साथ जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, ये पिछली सोसाइटी के मुकाबले में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो फीलिंग्स भी कॉम्प्लेक्स होंगी, इनके एक्सप्रेशन भी कॉम्प्लेक्स होंगे और कहानियां भी कॉम्प्लेक्स होंगी। और अब जरूरत पड़ेगी रिकॉर्ड्स रखने की, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो वो किसको दी जाए, यही कुटुंब, फैमिली या परिवार का भी जन्म होगा। यानी अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देनी है तो वो मैं अपने बच्चों को दूंगा या अपने रिश्तेदारों को दूंगा, तो वो रिश्तेदार डिसाइड होंगे कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है। तो परिवार का कॉन्सेप्ट पहली बार यहीं पर पैदा होगा, ये भी उसी बीज की साइकिल की देन है।
जहां रिकॉर्ड रखने का की जरूरत पड़ेगी कि किसने कितने बीज पैदा किए, किसने कितने समाज में बर्तन बनाए, किसने, ये सारी चीजें जो शेयर हो रही हैं समाज के अंदर, अब जो बांटी जा रही हैं एक दूसरे के बीच में जरूरत के हिसाब से, उनके रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। और इस रिकॉर्ड रखने के लिए लगभग 3,000 साल कबल मसीह में हमें दिखाई देता है कि पहली बार राइटिंग का जबान आ चुकी है। आदमी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस कर रहा है, नए नए अल्फाज पैदा हो रहे हैं, नई नई आवाजों को लेकर के, और इंसान का जो गला है वो ज्यादा से ज्यादा आवाजें पैदा करने के कैपेबल होता जा रहा है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से नए अल्फाज पैदा करना जरूरी हो गया है समाज के लिए, नई चीजों के आने की वजह से, नई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की वजह से। लेकिन लगभग 3,000 साल, 4,000 साल पहले लिखाई की शुरुआत भी होगी। ये रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे कि जो इंसान की अब नॉलेज जमा हो रही है, जो वो सवाल पूछ रहा है, जो अब कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि जरूरतें भी बहुत ज्यादा हैं, जिंदगी गुजारने के लिए भी, और बड़े सवाल भी फिर से पूछे जाएंगे। बड़े सवाल जिनको मेटा क्वेश्चन में कह रहा हूं, जिनको सोफिक क्वेश्चन में कह रहा हूं, वो सवाल दोबारा से पूछे जाएंगे। ये जो सवाल हैं जिंदगी गुजारने के लिए, ये इंसान की सोच और खोज को बढ़ाते जाएंगे। यही इंसान सीखेगा कि एक साल होता है और उस साल में एक और साइकिल है, जो सीजन्स की साइकिल है, जो मौसम की साइकिल है। बारिश होती है, फ्लड्स आते हैं, जमीन को जरखेज करते हैं एक खास पीरियड में, बीजों को एक खास पीरियड में डाला जाए तभी वो उगते हैं। सीजन की शुरुआत एक मेजर चीज होगी, सीजन की को ऑब्जर्व करने की शुरुआत एक मेजर चीज होगी जो इंसान की सोच में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। ये जो सीजन की शुरुआत है, ये साथ ही साथ कैलेंडर्स को जन्म देगी। इंसान वक्त को, दिन, घंटे, साल, हफ्ते वगैरह में बांटने की तरफ पहली बार कदम बढ़ाएगा, और इसके लिए जरूरत है गिनने की। मेजरमेंट शुरू होगा समाज के अंदर उसी एक बीज की साइकिल की वजह से। अगर मुझे नहर खोदनी है, अगर मुझे घर बनाना है, अगर मुझे ये देखना है कि ये जमीन का टुकड़ा कितना बड़ा है, तो फिर मुझे उसको मेजर करना पड़ेगा और मुझको एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा, और इसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत। और डायरेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका होगा कि मैं पूरब को एक खास दर्जा दे दूं, जहां से सूरज और चांद सितारे निकलते हुए दिखाई देते हैं, वो एक ही डायरेक्शन से निकलते हुए दिखाई देते हैं मुझे, और उसके हिसाब से चार दिशाएं बांट दूं। उसको मान लूं कि ये एक फिक्स जगह है, तो अब आसमान धीरे 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 360 डिग्रीज में ऐसे भी और ऐसे भी बट जाएगा। मैं आसमान को ज्यादा गहरी नजरों से देखना शुरू करूंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा कि ये कौन सा सीजन है और सूरज कहां से निकल रहा है, कब निकल रहा है। ये सारे सवाल मेरी अब जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे, और मैं ब्रह्मांड को एक बार फिर गहरी नजरों से देखूंगा, वही सवाल फिर से पूछूंगा कि इस धरती का, ब्रह्मांड का आकार क्या है। अगले लगभग 3-4 हजार साल तक ये जो मॉडल था मेरे पास फ्लैट अर्थ का, चपटी धरती और उसके ऊपर आसमान ढका हुआ, ये मेरे काम आता रहेगा। लेकिन इससे पहले के समाज में मैंने कहा कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था, वापस लौट के नहीं आना था, पर जैसे जैसे सभ्यताओं का उदय होगा तब आपस में रिश्ते और ट्रेड भी बढ़ेंगे। अब मेरा जाना
खास तौर से कारोबार के लिए जाना, यानी इजिप्ट से चलना, मेसोपोटामिया आना, ऊपर ग्रीक सिविलाइजेशन जन्म ले चुकी है, इधर चाइना है, वहां पर सभ्यता का उदय हो चुका है। हमारे देश में जो वादी सिंध की, सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती है, वो जन्म ले चुकी। तो लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे और वापस लौट के जाना होगा। ये मान लेते हैं कि उस वक्त ना तो सड़कें थी इस तरह की जैसी आज हुआ करती हैं, और ना लिखे हुए बोर्ड लगे थे कि जिनको देख देख के हम किसी रास्ते के ऊपर चलते चले जाएं और फिर वापस लौट के आ जाएं उन्हीं को याद करके। अभी कंपस भी नहीं आया था, तो उससे भी डायरेक्शन का पता नहीं लगता था। तो कौन सा तरीका होगा जिससे कि मैं खास तौर से अगर लंबा सफर कर रहा हूं और वापस लौट के आना है तो मैं पता करूं कि मैं कहां हूं। दिन में सूरज से यह अंदाजा हो जाएगा मुझे कि मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ जाऊं। कुछ जगहों के ऊपर मुझे ये अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि एक तरह का जंगल है, खास तरह का की चीजें उगती हैं, उनका ख्याल कर लूंगा मैं। पहाड़ हैं अगर रास्ते में, अगर झीलें हैं रास्ते में, उनको मैं मार्क करके जहन में रख लूंगा कि भाई ये रास्ते में मिला था, वापस लौटते हुए इसी तरफ से आना है, और रास्ते बन जाएंगे। इससे काम ना तो बड़ी नदियों को क्रॉस करना पड़े तो चलेगा, और ना ही इससे काम चलेगा जब मैं डेजर्ट में या मरुस्थल में हूं, और ये इलाका डेजर्ट से भरा हुआ है, जिस इलाके की हम, जिस क्रेसेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर कैसे पता लगेगा? पता लगाने का एक ही मेजर तरीका होगा, और वो तरीका होगा कि मैं कॉन्स्टिलेशंस को, आसमान को देखूं, तारे कब कहां किस पोजीशन में हैं, और मैं आसमान में तरह तरह की शक्लें बनाऊंगा ताकि वो याद रहें, सितारों के कॉन्स्टिलेशन, उनके समूह को देख करके, और गहरी नजर से देखना शुरू करूंगा इन सितारों के कॉन्स्टिलेशन को कि कब कौन से कॉन्स्टिलेशन की किस जगह से देखा जाए तो क्या पोजीशन होती है, साल के कौन से हिस्से में। और तब एक बड़ा सवाल फिर पैदा हो जाएगा कि धरती का आकार क्या है, ब्रह्मांड का आकार क्या है। वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था, अब उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि अलग-अलग जगहों से मुझे इन कॉन्स्टेलेशंस के अगर मैप्स बनाऊंगा, रिकॉर्ड रखूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि एक ही दिन मेसोपोटामिया में जिस जगह से सूरज निकल रहा है उस जगह से इंडस वैली में नहीं निकल रहा। एक शहर से जो तारे दिखाई दे रहे हैं किसी एक वक्त के ऊपर, वो तारे उस वक्त के ऊपर दूसरे शहर से नहीं दिखाई दे रहे। जब मैं सफर करूंगा तो कुछ नए तारे किसी नई जगह से दिखाई देने लगेंगे, और कुछ पुराने तारे जो जिनको मैं जानता था वो लुप्त होते हुए दिखाई देंगे, वो आसमान में नहीं दिखाई देंगे। ये सारी परेशानियां धीरे 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 शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आज यहीं तक, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल फिर से पैदा हो गया इंसान के लिए कि धरती का आकार क्या है। फ्लैट अर्थ मॉडल जो अब तक की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा था अब पूरा नहीं कर पाएगा। फिर से सवाल पूछूंगा कि धरती का आकार क्या है, ब्रह्मांड का आकार क्या है, और फिर मैं नए सच की तलाश में निकल पड़ूंगा। ये है कहानी आज तक की। अगली बार लेते हैं कि धरती गोल कैसे हुई, कैसे खोज के निकाला इंसान ने कि धरती गोल है, और कब तक इस सवाल को दोबारा फिर से सच की तलाश में दूसरी बार इंसान ने
तीसरी बार इंसान ने पूछना शुरू किया, क्या थी परेशानियां जिनकी वजह से एक बार फिर अड़चने आ गईं, और वो मॉडल जिस पर सब यकीन करते थे वो एक बार फिर टूट गया। नया मॉडल पुराने मॉडल को रिप्लेस कर देता है। ब्रह्मांड का हो या किसी और सवाल के जवाब में हो, और इसी को हम साइंस कहते हैं। मैं आज आपको इस थॉट के साथ छोड़ रहा हूं कि मैं इसमें यकीन नहीं रखता कि अलग अलग देशों की साइंस अलग अलग रही। इस बात को मैं लगभग हर लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यूरोपियन साइंस, इंडियन साइंस, चाइनीज साइंस, अरब साइंस वगैरह वगैरह में मैं यकीन नहीं रखता। साइंस इंसान का मजमूई असासा है, ये मजमूई दौलत है, ये तलाश है, सच की तलाश, जो तब शुरू हो गई थी जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया था, और उसमें भी वो सारे सवाल जिनकी शुरुआत, बड़े सवाल जिनकी शुरुआत कैसे से होती है, क्यों से नहीं। इस बात को अगली बार समझाने की फिर एक बार कोशिश करूंगा कि क्यों से शुरू होने वाले सवाल और कैसे से शुरू होने वाले सवाल में क्या फर्क है।